नहीं किया, मेरी ईमान की बात थी, मुझे लगा, मैंने रिज़ाइन कर दिया और इसके बाद अब मैं नहीं रुकूंगा, मेरा काम मुझे ख़त्म करना है। आप लोगों का जब दिल में आया, जब आपका दिल करे उस वक्त में आप अपना रेजिग्नेशन कर दीजिए। तो उसके बाद में मैंने आज आप लोगों को कॉल किया और मैं आपके ज़रिए मैं अपना रेजिग्नेशन जो है वो अपने बड़ों तक पहुंचाना चाहता हूं। आज के बाद में शिवसेना के किसी भी पद से मेरा कोई सरोकार और कोई संबंध नहीं है। आप शिवसेना पार्टी छोड़ दिए हैं अभी फिलहाल, जो मामला हुए आपने पूरा डिटेल्स बता दिया, लेकिन अभी आगे आप किसी पार्टी में जाने वाले हैं, किसी पार्टी से संपर्क में हैं? नहीं, अभी फिलहाल तो मैंने मेरा रेजिग्नेशन दिया हूँ, इसके बाद में इंशाल्लाह मैं सोचूंगा मुझे करना क्या है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पहला मुझे थोड़ा सा ज़हनी सुकून मिले। ये पिछले 10-15 दिनों के अंदर मैं थोड़ा सा बेचैन रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा मुझे सुकून मिले इससे, उसके बाद में इंशाल्लाह मैं ज़रूर अपना डिसीजन लूँगा और मुझे क्या करना है वो आप लोगों के सामने ज़रूर बताऊँगा। पार्टी में एंटी मुस्लिम या मुसलमानों को कड़ी पत्ता समझा जा रहा था, ये पहले आपको आभास नहीं हुआ था क्या? मैं अभी आप सवालों का जवाब इंशाल्लाह मैं बाद में दूंगा, और मैंने जो ये मीटिंग आपके कॉन्फ्रेंस कॉल की थी, मैं एक मुझे जो पद नियुक्ति का पत्र मिला था, तो मैं अपने ये निषेध के तौर पे इस पद नियुक्ति के पत्र को आपके सामने फाड़ रहा हूँ, अपना निषेध जो है अपना जाहिर करता हूँ और पार्टी से जय हिंद करता हूँ और आज की कॉन्फ्रेंस को जय महाराष्ट्र करके खत्म करने घोषित करता हूँ। आप जब इस्तीफा देने गए थे तो कौन से पद अधिकारी थे जिन्होंने आपसे कहा कि कौन कौन आपके साथ पद छोड़ रहा है, तो कौन उनका नाम बताएंगे जिन्होंने कहा था आपको? जिला प्रमुख ने कहा था। तो इंशाल्लाह अभी ये हमारी कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है, वो जो पत्र फाड़े तो जरा दिखा दो, एफएम इलिया जी दिखा पत्र जो फाड़े।